मौजूद है हम सबकी लेजेंड, आपकी हमारी हम सबकी प्यारी नगमा बेगम। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब भी आपने देखेंगे ना मुस्कुराते हुए और एज अ फ्रेश एक चेहरा मुस्कुराते हुए हमेशा इनको देखेंगे, ठीक है। बड़ा अच्छा माशाल्लाह से इनका है वो एक बोलने का अंदाज, लोग सुनना भी चाहते हैं इनसे बात करेंगे। मैडम कैसी हैं आप? सब अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी दुआएं हैं मेरे साथ और मेरे फैंस की, लोगों की बहुत सारी दुआएं हैं मेरे साथ। अल्लाह ये बताएं कि आप हर हाल में खुश रहती हैं, हर हाल में हमने आपका जी जी क्या राज है? अल्लाह का शुक्र अदा करें बस, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह के और अल्लाह की ज़ात के। तो अगर उसका शुक्र अदा करते रहें, उसको ये कहें कि जी हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस हाल में रखा है, तो तसल्ली रहती है एक अल्लाह के साथ लो लगा। अच्छा, नगमा बेगम को हमने हर फिल्म सुपर हिट गई जी, हर फिल्म में लोगों ने इतना प्यार दिया। जब अदाकारी शुरू की और अदाकारी जब आप माशाल्लाह से उरूज पे गई जी, क्या वजह थी उसकी? काम किस तरह से माइंड में, जब आप कोई फिल्म में अदाकारी करती थी तो क्या था जहन, किस तरह से करती थी? असल में बात ये है, वही बात आती है कि जब आप ईमानदारी से अंदर से जिस चीज़ का शौक है या आप करना चाहते हैं उसको मेहनत से करेंगे तो आप अच्छा करेंगे काम, और अल्लाह से लॉ भी लगाए रखें और अल्लाह से शुक्र उसका करते रहें हर हाल में। हीरोइन थी तब भी मैं करती थी, अब मैं माँ बनी, करेक्टर्स किए तो मैंने तब भी किए, अब भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। बात यह है कि आप अंदर से, तभी जब आप अंदर से हर चीज़ करेंगे तो बहुत अच्छी और सही होगी और अपनी होगी, किसी की कॉपी नहीं है, किसी के यानी नक्शे कदम पे नहीं चलते बंदा, अपनी मैं अपनी डगर पे चली हूँ। अल्लाह ने करम कर दिया। मौजूदा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या कहेंगी रोन के, माशाल्लाह से एक दफा फिर बहाल हो? मैं बहुत खुश, लोग वापस आ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा, इसलिए कि मैंने अपनी आंखों से अरूज भी देखा, सवाल भी देखा, तो मुझे तकलीफ होती थी और अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा मैडम ये बताइए कि अगर हकीकी ज़िंदगी देखे ना तो बेटा जो है वो माँ की इतनी खिदमत नहीं करता जी, लेकिन आप जब फिल्मों में माँ का रोल करती है तो बेटा आपकी बड़ी खिदमत करता है, बड़ा ताबेदार रहता है, वो कौन सा ऐसा बेटा जिसने आपकी बड़ी खिदमत की, जो जिसने फिल्म ने जो आपको पसंद है फिल्म में, तो इसने मेरा बेटा बना और सही बना दिया? मुझे शान का सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि वो फीलिंग्स उसकी मुझे आती थी कि मेरा बेटा है और वो भी माँ की तरह मुझसे डील करता था। बाकी ये है कि हम लोग तो रास्ता दिखाते हैं लोगों को कि इस तरह की ज़िंदगी गुजारें, तो वो हम अपना फ़र्ज पूरा करते रहें और इंशाल्लाह अगर रहे तो करते रहेंगे।